हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। सो इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आर चैप्टर एमएस एक्सेल, दैट इज फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। मतलब इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग को डिस्कस करना है फंक्शंस के बारे में। एंड इन टुडेज क्लास वी हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक ऑफ फंक्शंस एंड फॉर्मूलास। बट अलॉन्ग विद दैट, आज हम लोग अपनी क्लास में ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन टर्म्स के बारे में, थोड़ी सी प्रीवियस टर्म्स को रिवाइज करेंगे, एंड आई विल टीच यू लाइक हाउ यू कैन वर्क विद एमएस एक्सेल एंड योर पीसी। फाइन, आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा तुम लोग अपने पीसी में, मतलब अपने कंप्यूटर में एम एस एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड सून आई विल शेयर अ लिंक विद यू ऑल, जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में एम एस एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हो। फाइन, नाउ लेट्स बिगिन। वेल स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर आउट वन थिंग। अगर तुम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, तुम लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, देन वॉट यू कैन डू फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, फाइन, प्ले स्टोर पर जाओ और वहाँ पर जाकर टाइप करना एम एस एक्सेल। You will definitely get an app over this side. Fine, तुम लोगों को वहाँ पर एक प्ले स्टोर में एक ऐप मिल जाएगी, एम एस एक्सेल का ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। फाइन, उस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एंड्रॉयड ऐप के बारे में भी, कि तुम लोगों को उसमें कैसे यूज़ करना है। फाइन, तो भी भाई डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिविजन करते हैं पहले हम लोग। सो इन द लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू दैट एम एस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। फाइन, यहाँ पर टेबल के फॉर्म में स्टोर करने का मतलब क्या हो गया भाई, कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगी और कुछ रोज होंगी, और तुम इन रो और कॉलम्स में अपने डेटा को फिलअप कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टॉक अबाउट योर टाइम टेबल, अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूंगा, स्टूडेंट को भाई क्या करना पड़ता है, इसमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ये तुम्हारा टाइम टेबल होता है बेटा, तो उसको तुम किस में बनाओगे जा करके? यू कैन क्रिएट दैट टाइम टेबल बाय यूजिंग एक्सेल शीट। और लेट्स टॉक अबाउट योर रिजल्ट्स। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट रिजल्ट्स ऑफ योर क्लास। तो अगर मुझे तुम लोगों के क्लास के मार्क्स को स्टोर करना होगा, तो मैं उसको कहाँ स्टोर करूंगा? आई कैन स्टोर दैट इन योर एम एस एक्सेल। फाइन, सिमिलरली अगर मुझे बहुत सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, लाइक देयर नेम्स, फादर नेम, एड्रेस, तो उसको भी मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा? मैं उसको यूज़ करूँगा एम एस एक्सेल में। सिमिलरली अगर तुम लोगों के पेरेंट्स की कोई शॉप होगी या वो कोई वर्क करते होंगे, तो उनमें से बहुत सारे लोग एम एस एक्सेल का ही यूज़ करते होंगे डे टू डे अपने डेटा को एंटर करने के लिए, या उसको एक स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताओ, या अगर वो लोग किसी और एप्लीकेशन का भी यूज़ करते हैं तो मुझे भाई उसका नाम जरूर कॉमेंट करके नीचे बताना। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई, तो एम एस एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन है, दैट इज डॉट xls और डॉट xlsx। इसका फाइल एक्सटेंशन है डॉट xls या फिर डॉट xlsx। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कंपोनेंट्स की। हम लोग सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम लोग यहाँ पे एक ओवरव्यू लेंगे। तो भाई एम एस एक्सेल के जो मेजर कंपोनेंट्स है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पर होती है टाइटल बार, ये हम लोगों के पेज का टाइटल बार है, ये हम लोगों के पेज का मेन्यू बार है, बॉटम में जो ये वाला बार है ये हम लोगों के पेज का स्टेटस बार है, फिर ये जो सेक्शन दिख रहा है ये सेल एड्रेस बार है। ठीक है, सेल एड्रेस में उस सेल का एड्रेस दिखाई देगा जिसको तुम सेलेक्ट करके रखोगे, और जो भी सिलेक्टेड सेल रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेल। और इस एक्टिव सेल में यहाँ पर ये जो तुम लोगों को छोटा सा एक स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फिल हैंडल या फिर फिल पॉइंटर। फाइन, अब बात करते हैं हम लोग अपने रोज एंड कॉलम्स की। तो ये हम लोगों के जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं, जहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट्स को हम लोग कहते हैं कॉलम, और सिमिलरली ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हैं, इनको हम लोग कहते हैं रोज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक कॉलम और हर एक रो का एक स्पेशल नेम होता है। लाइक ये जो कॉलम है हम लोगों के सारे आप देख सकते हो, इन सारे के सारे कॉलम्स के अल्फाबेटिकल नेम है। इस कॉलम नेम को हम लोग कहते हैं कॉलम हेडर। सिमिलरली सारे के सारे रोज का एक स्पेशल नंबर होता है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं रो नंबर। नाउ नेक्स्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो हम लोगों के शीट में एक सेल होता है भाई, ये सेल जो है ये एक रो और एक कॉलम को मिलाने में बनता है। एंड ओवर दिस साइड वी हैव थ्री वर्कशीट्स अवेलेबल। अब ये जो हम लोग अपने एम एस एक्सेल पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, इस फाइल को हम लोग कहते हैं वर्क बुक। इस वर्क बुक के अंदर होती हैं तीन वर्कशीट्स। इन तीनों वर्कशीट्स को हम लोग यहाँ पे शीट टैब में देख सकते हैं इस जगह पे। फाइन, और इन तीन शीट्स का नाम होता है शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री। और इस वाले बटन पे क्लिक करके यू कैन ऐड मोर शीट्स। फाइन, इस वाले बटन पे क्लिक करके तुम यहाँ पे और शीट्स को भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर होते हैं हम लोगों के जूम कंट्रोल्स, जिससे तुम अपनी पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। अब हम लोग इस वाले पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, तुम लोगों ने आई थिंक इसको नोट डाउन कर लिया होगा, सब लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। हम लोग फटाफट से जंप करते हैं अपने फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज की तरफ। सो हियर वी हैव अ फर्स्ट टर्म, दैट इज फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल। नाउ
एज वी ऑल नो इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, हम लोग को बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, जहाँ पर हम लोग को बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है. चलो मैं एक सिनेरियो लेता हूँ जहाँ पे सपोज करो मुझे तुम्हारी क्लास के मार्क्स को नोट डाउन करना था. फाइन, सपोज करो भाई मेरे पास तुम्हारे दो टेस्ट के मार्क्स हैं और मुझे उनको ऐड करना है. तो यहाँ पे मेरे पास तुम लोगों का रोल नंबर था, यहाँ पे नेम था, यहाँ पे मैंने कह दिया मेरे पास यूनिट वन के मार्क्स और यहाँ पे यूनिट टू के मार्क्स थे. फाइन, ये मान लो नेम है ए बी सी डी, मार्क्स ये हैं 10, 9, 10, 8. फाइन, ये 100 हैं 200 हैं 300 हैं, मान लो ऐसे मार्क्स हैं हम लोगों के पास. फाइन, सपोज करो इनको हम लोगों को ऐड अप करके लिखना था. ठीक है, तो जब भी हम लोगों को इतनी सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होता है, वी हैव सम काइंड ऑफ फॉर्मूलाज इन एम एस एक्सेल. हम लोग एम एस एक्सेल में फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे लिए सारा का सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन वाला काम आसान कर देते हैं. यहाँ पर हम लोग को मैनुअली वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना पड़ता है. यानी कि अगर तुमको यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना होता तो तुम डायरेक्टली इसको ऐड नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करते लॉजिक का. फॉर एग्जांपल, ये जो हम लोग के कॉलम्स होंगे इनका यहाँ पे नेम होगा लाइक कुछ ए बी सी डी ई, और रोज़ का नाम होगा इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5. और एडिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस 10 एंड 100 मैनुअली, ओवर दिस साइड इन दिस सेल वी कैन राइट इक्वल्स टू B2 प्लस C2. And the moment when you will write this and press the enter key, it will automatically calculate the sum for you. In the same manner, it can calculate the sums for all the given numbers automatically by just using these formulas. So these formulas are the most important tool for calculation in MS Excel. अब ये जो formulas होते हैं भाई, इनको हम लोग calculation के लिए use करते हैं cell references का, यानी कि जो हम लोग के addresses हैं इनका, या फिर हम लोग यहाँ पे numbers का भी use कर सकते हैं. For example, देखो मैंने यहाँ पे एक formula लिखा हुआ है. सपोज करो भाई मुझे किसी जगह पर कुछ नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना था, या फिर सपोज करो मुझे एवरेज कैलकुलेट करना था. तो भाई एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज, सॉरी सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. फाइन, अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना था तो भाई मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर. तो मैं अपने इस वाले फॉर्मूला को भी अपने शीट में इंक्लूड कर सकता हूँ. फाइन, आई थिंक यहाँ तक का तुम लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी. हम लोग फटाफट से इस वाले टॉपिक को प्रैक्टिकली समझते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली समझने से पहले लेट मी क्लियर आउट वन थिंग. अगर तुम लोगों के पास कोई भी विंडोज़ बेस्ड पीसी है, तुम लोगों के पास कोई भी विंडोज़ कंप्यूटर है, उसमें एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए तुमको क्या करना है भाई, तुम्हारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक इस तरीके की विंडोज़ वाली की होगी कुछ. फाइन, इसको हम लोग कहते हैं विंडोज़ की, या फिर इसको कुछ लोग स्टार्ट बटन भी कहते हैं. तो ये जो कीबोर्ड में ये वाली विंडोज़ वाली की होगी, इसको प्लस आर वाली की को एक साथ प्रेस करोगे तो इट विल ओपन रन प्रॉम्प्ट. ये क्या करेगा, ये रन प्रॉम्प्ट को ओपन कर देगा. फाइन, और रन प्रॉम्प्ट में जाके तुमको टाइप करना है एक्सेल एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. ये ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम है एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर देगा. तो भाई चलो हम लोग ट्राई करते हैं इसको. तो मैंने अपने सिस्टम में से विंडोज एंड आर वाली की को प्रेस करा है और अब मैंने यहाँ पर टाइप करा फटाफट से एक्सेल. थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ बेटा मैं इसको, सो दैट यू ऑल कैन वेरी इजीली सी दिस. वेल, सो ओवर दिस साइड आई एम राइटिंग एक्सेल नाउ एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके बटन. द मोमेंट व्हेन यू विल डू सो यू कैन सी आर एमएस एक्सेल इज हियर नाउ. ये हम लोगों का एमएस एक्सेल हमारे सामने आ गया है. इसको हम लोग फुल स्क्रीन व्यू पे स्विच कर लेते हैं. फाइन, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्जन एमएस एक्सेल का, इट इज़ एक्सेल 2013. फाइन, ये जो एमएस एक्सेल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये एमएस एक्सेल 2013 है. फाइन, हो सकता है तुम्हारे पीसी में एमएस एक्सेल का 2007 वर्जन होगा तो वो दिखने में थोड़ा सा अलग होगा. फाइन, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, आई विल क्लिक ऑन दिस ब्लैंक ऑप्शन. मैं यहाँ पर इस ब्लैंक वर्कबुक वाले ऑप्शन में डबल टैप करूंगा एंड दैट्स इट. ओवर हियर आई हैव माई वर्कबुक नाउ. अब देखो भाई, इस वर्कबुक में काम करना बहुत ही आसान है, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी शीट को कर लेता हूँ जूम. वेल, एज यू ऑल कैन सी, ये हम लोगों के पेज में कुछ सेक्शंस डिवाइडेड हैं. ये पेज का टाइटल बार है ओवर दिस साइड. यहाँ पर हम लोगों के पेज का मेन्यू बार और मेन्यू रिबन है. ये हम लोगों के पेज में है फॉर्मूला बार. ओवर दिस साइड इन आवर पेज वी हैव दिस सेल एड्रेस बार. और ये जितना भी पूरा का पूरा तुम लोगों का पेज है, इसको हम लोग कहते हैं वर्क एरिया, या फिर यही हमारे पेज की वर्कशीट. फाइन, अब बिकॉज आई एम यूजिंग ऑफिस 2013, ऑफिस 2013 में वी हैव ओनली वन एक्टिव शीट. फाइन,
एमएस ऑफिस 2013 में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिव शीट होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शीट वन लिखा हुआ है। बट अगर तुम्हारे पास एमएस ऑफिस 2007 होगा, फाइन, तो तुम्हारे ऑफिस 2007 वाले वर्जन में तुमको यहाँ पर तीन शीट्स दिखाई देंगी, यानी कि शीट टू, शीट थ्री भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। नाउ हेयर आई विल मेक अ वेरी सिंपल स्प्रेडशीट फर्स्ट एंड देन वी विल अप्लाई सम फॉर्मूलाज ऑन दैट। आई होप ये सबको विजिबल है। वेल, अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज फिलअप करूँगा अपने इन कुछ सेल्स में एंड देन वी हैव टू वर्क। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज रोल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया मार्क्स वन, सिमिलरली मैंने इसके आगे लिख दिया मार्क्स टू, मार्क्स थ्री एंड मार्क्स फोर, एंड देन सपोज आई हैव टू कैलकुलेट टोटल एंड देन लेट सपोज आई हैव टू कैलकुलेट एवरेज। फाइन, सो एज यू कैन सी आई हैव मार्क्स ऑफ फोर सब्जेक्ट्स, मेरे पास यहाँ पे फोर सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, मेरे पास टोटल है और एवरेज भी है। अब बिकॉज यू ऑल कैन वेरी इजिली सी कि जो हम लोगों की शीट है ये थोड़ी सी दिखने में अजीब लग रही है, बोरिंग लग रही है, तो एक काम करते हैं फटाफट से, हम लोग जितने भी सेल्स में डेटा फिलअप करने वाले हैं पहले मैं उनमें बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए भाई हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट ऑल योर सेल्स एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बॉर्डर बटन। देखो यहाँ पर हम लोगों का ये देखो इस होम टैब में ये वाला सेक्शन है बॉर्डर्स के लिए, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स पे, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पेज में सारे के सारे जगहों पे बॉर्डर्स अप्लाई हो गए हैं जितना भी एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट करा था। फाइन, अब एक काम करते हैं हम लोग अपनी इस हेडिंग का कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो अगर हम लोग को हेडिंग में बैकग्राउंड चाहिए तो हम लोग इस तरीके से हेडिंग में बैकग्राउंड लगा सकते हैं, हेडिंग में हम लोग अपनी टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे अपने मन के अकॉर्डिंग किसी भी अच्छे से कलर को पिकअप कर सकते हैं एंड देन वी हैव टू फिल आवर वैल्यूज लाइक दिस। फाइन, एंड आफ्टर दिस आई एम राइटिंग सम नेम्स, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज यूज़ कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर शीट का यूज़ करेंगे। एंड देन सपोज आई हैव सम मार्क्स, रैंडम मार्क्स है मेरे पास, फाइन, सपोज करो बेटा ये हमारे मार्क्स आ गए, एंड नाउ एज यू कैन सी दैट वी हैव सो मेनी वैल्यूज टू ऐड, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज है ना ऐड करने के लिए, देखो चार चार नंबर्स हम लोगों को ऐड करने हैं। अब अगर तुम इसी काम को मैनुअली करोगे तो हो सकता है तुम्हारे काम की एक्यूरेसी कम होगी। इसी चीज़ को ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एम एस एक्सेल में फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं फार्मूलाज का यूज़ करूँगा। फाइन, अभी मैं यहाँ पर फार्मूलाज का यूज़ करूँगा, फार्मूलाज के यूज़ करने के लिए एक रूल हम लोगों को फॉलो करना है। योर रूल इज़ कि वेन एवर यू विल राइट अ फॉर्मूला यू मस्ट हैव टू स्टार्ट दैट फॉर्मूला विद द इक्वल टू साइन। फाइन, मतलब उस फॉर्मूला की स्टार्टिंग में तुमको इक्वल टू साइन का यूज़ करना है, अगर तुम वहाँ पे इक्वल टू साइन का यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू के बाद क्या करना है भाई, हम लोगों को जरा ध्यान समझना बेटा, इक्वल्स टू लगाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यूज़ है ना बेटा, ये वैल्यूज़ जिस भी सेल में स्टोर हैं उस सेल का एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू 45 इज रिटन इन कॉलम सी रो 2, सो द एड्रेस ऑफ दिस सेल विल बी C2, सिमिलरली एड्रेस ऑफ दिस सेल विल बी D2, दिस विल बी E2 एंड दिस विल बी F2। अब ये F2 क्यों हुआ है, बिकॉज ये वाली जो वैल्यू है बेटा इट इज रिटन इन कॉलम F एंड रो 2। अगर हम लोग सिमिलर नेचर से बात करें भाई अपनी सारी अदर वैल्यूज का, तो ये जो हम लोग की सारी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनका भी एक कोई ना कोई स्पेसिफिक यहाँ पे सेल रेफरेंस होगा। फाइन, तो भाई ये जो हमारा सेल है इसका रेफरेंस है C2, ये है D2, ये है E2 और ये है F2। अगर हम लोग बात करते हैं इस वाली वैल्यू 89 की, तो जो इसका सेल रेफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा C3। फाइन, दिस विल बी C4, दिस विल बी C5, सिमिलरली दिस विल बी T3, D4 एंड D5 एंड ओवर द साइड वी विल हैव E3, E4 एंड E5 और यहाँ पे सिमिलरली आ जाएगा F3, F4 एंड F5। फाइन, तो इस तरह से हमारी एक्सेल शीट में हर एक वैल्यू का एक एड्रेस होता है
और जब भी हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं तो हम लोगों को उन एड्रेसेस का यूज़ करना होता है। तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इसको बहुत ध्यान से देखना है सबको बिल्कुल। फाइन, नाउ ओवर द साइड आई विल राइट इक्वल्स टू, देखो जैसे मैंने C2 लिखा तो ये जो मेरा सेल C2 था बेटा ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखना चालू करूँगा इस पूरी रो को ध्यान से देखना, यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएंगी। फाइन, फिर मैंने लिखा प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2। फाइन, सो नाउ एज यू कैन सी दैट ऑल दीज फोर वैल्यूज आर हाईलाइटेड। And now the moment when I'll press the enter key, you can see we have got a sum. So it is the best thing about MS Excel ki bas hum logo ko is tarah se ek bar likhna hai aur automatically sum yahan pe calculate ho jayega. Now you must be thinking ki agar hum logo ko next wali is values ka sum nikalna hai to bhai hum logo ko fir se likhna padega formula. Well, aisa nahi karna hai hum logo ko. Agar aapne ek bar hi sum calculate kar liya hai to second time sum calculate karna bahut easy ho jata hai. Yahan pe dhyan se dekho. Dekh sakte ho yahan par ek chota sa tumko rectangle box dikh raha hoga. हम लोग इस वाले बॉक्स को पकड़ेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अभी देखना क्या करा भाई, देखो मैंने इस वाले कॉर्नर से यहाँ से अपनी इस सेल को पकड़ा और मैंने सिंपली इसको नीचे देखो ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। एंड द मोमेंट व्हेन आई विल लीव माय माउस कर्सर यू कैन सी दैट यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली एडअप हो गई हैं। फाइन, दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ एम एस एक्सेल, इसीलिए हम लोग एम एस एक्सेल का मोस्टली यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन के लिए। नॉट लेट सपोज आई हैव टू चेंज एनी वैल्यू, सपोज करो भाई जब मैं स्टूडेंट ए के मार्क्स एंटर कर रहा था मैंने गलती से इसके सब्जेक्ट टू में मार्क्स एंटर कर रहे थे 34, बट मैंने बाद में देखा कि इस बच्चे के 80 मार्क्स आए थे, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही अपनी शीट में आके एक मार्क को एंटर करके एंटर की को प्रेस करूँगा। अभी यहाँ पे देखना एक चेंज आएगा बहुत बड़ा, जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करूँगा तो यू कैन सी ये जो वैल्यू लिखी हुई है 158 अभी ये चेंज हो जाएगी बेटा। देखा, जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू वैल्यू एंटर करी और मैंने जैसे एंटर की पे क्लिक करा तो तुरंत जो मेरी वैल्यू थी वो चेंज हो गई, मुझे अपने फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़े। इट इज़ द फीचर और इट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फॉर्मूलाज इन आवर एक्सेल शीट। अब सपोज करो भाई तुमको सिमिलरली अपने शीट में एवरेज कैलकुलेट करना था, तो देखो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तुम लोगों को पता होगा एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइन, सो एज यू ऑल कैन सी कि भाई हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी सम तो निकाल चुके हैं, तो अगर मुझे इस वाले सेल में एवरेज निकालना है तो देखो मेरा जो सम है वो स्टोर्ड है G2 में। सो आई विल राइट G2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे कितनी नंबर्स हैं टोटल 1, 2, 3 एंड 4, सो आई विल राइट G2 अपॉन 4। और फिर उसके बाद में सिमिलरली मैं पूरे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा नीचे तक का, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सेल्स का एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। चलो उसको हम लोग ट्राई करते हैं फटाफट से। देखो मैंने यहां पर लिखा इक्वल्स टू G2 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्रेस द एंटर की, दैट्स इट। देखो फटाफट से यहां पे एवरेज आ गया। अब जैसे ही मैं इस वाले हैंडल को पकड़ के ड्रॉप डाउन करूंगा तो देखो सारी की सारी वैल्यूज का एवरेज निकलना स्टार्ट हो गया। नाउ लेट सपोज जब मैं मार्क्स एंटर कर रहा था गलती से इस वाले बच्चे के 38 मार्क्स आए थे बट मैंने यहाँ पे 98 लिख दिया था, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 38 लिख के एंटर की को प्रेस करूंगा देखो इसका टोटल चेंज हो गया, इसका एवरेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। फाइन, इट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यूजिंग सेल रेफरेंसेस, अगर हम लोगों ने यहाँ पे सेल रेफरेंसेस यूज़ करे हैं तो भाई वो ऑटोमेटिकली वैल्यू के चेंज होने पे हमारे आउटपुट को या हमारे रिजल्ट को भी चेंज कर देते हैं। दैट्स वाई वी आर लर्निंग अबाउट सेल रेफरेंसेस। फाइन, तो ये हम लोगों ने आज एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। फाइन, तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम में से कुछ बच्चे एक बार इतने डेटा को नोट डाउन करना, अगर तुम्हारे घर में कंप्यूटर है तो इतने डेटा को नोट डाउन करने के बाद एक बारी टोटल और एवरेज को जैसे मैंने निकाला था सेम मैनर में एक बारी कैलकुलेट करके देखना। अगर कोई भी डाउट आया प्लीज कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन। सो इट वाज अबाउट द फॉर्मूलाज, अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, वेल जिस तरीके से हम लोग अपने एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के यूज कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन, इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो यूज फंक्शंस इन आर एमएस एक्सेल। वेल दीज फंक्शंस आर सम प्रीडिजाइन टूल्स, ये कुछ प्रीडिजाइन फॉर्मूलाज होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में या फिर डेटा एनालिसिस के लिए। यहाँ पर डेटा एनालिसिस से मेरा मतलब है कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज़, जब भी हम लोग को वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शंस का। जब भी हम लोग को कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन यूज़ करनी होगी वहाँ पर हम लोग फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शंस का। फाइन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक अ फॉर्मूला अ फंक्शन ऑलवेज बिगिंस विद अ इक्वल टू साइन, एक फंक्शन भी हमेशा इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होता है
और इक्वल टू साइन के जस्ट बाद होता है फंक्शन का नेम एंड देन सेट ऑफ वैल्यूज विच आर टू बी कैलकुलेटेड. फाइन, देखो यहाँ पे नीचे मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है इसका. इन जनरल एक फंक्शन के नेम में इक्वल टू साइन होता है, फंक्शन का नेम होता है, फिर वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज जिसके ऊपर हम लोगों को फंक्शन अप्लाई करना है वो सारी की सारी वैल्यूज लिखी होती हैं. सो इन आर नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस दीज फ्यू बेसिक फंक्शंस. हम लोग डिस्कस करेंगे इन चार टाइप के फंक्शंस के बारे में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग. आई होप सबको आज फॉर्मूलाज के बारे में समझ में आया होगा. अगर कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओवर दिस साइड यू विल गेट योर क्लास 7 प्लेलिस्ट. यहाँ पर तुम लोगों को क्लास 7 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और यहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगी क्लास 7 की प्रीवियस क्लास वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने MS Excel का एक इंट्रोडक्शन करा था. थैंक यू ऑल.